नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में देखेंगे कलरव कक्षा 3 से कौन सा पाठ है वो हम बताएंगे बाद में। पहले सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लें, किताब खोल लें और पाठ निकाल लें। देखें कौन सा पाठ है। आज का पाठ है अपने आप 4। ये 14 अध्याय है अपने आप करने के लिए और कहानी है मेजर शैतान सिंह की। मेजर शैतान सिंह की कहानी है, तो सभी बच्चे ये पाठ पढ़ेंगे। अच्छा पाठ है, कहानी है छोटी सी, तो पढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो चलते हैं, पढ़ते हैं पाठ। भीषण सर्दी पड़ रही थी, क्या हो रहा था, ठंड का मौसम था, भीषण सर्दी पड़ रही थी। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेंजांगला पहाड़ी भी उस सर्दी से मानो कांप रही थी। इस भयानक सर्दी में भी मेजर शैतान सिंह अपनी कंपनी के साथ देश की सीमा की रक्षा के लिए डटे हुए थे। 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने भारी संख्या में इस चौकी पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ था, चीनी सैनिकों के पास बड़ी बड़ी तोपें थीं, वे गोले बरसाते हुए आगे बढ़ने लगे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी के जवानों के साथ बहादुरी से मुकाबला किया। उन्होंने मोर्चा कमजोर नहीं होने दिया। शत्रु सेना को भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों चीनी सैनिक हताहत हुए थे। मेजर शैतान सिंह का शरीर छलनी हो गया था, बाहें बुरी तरह घायल हो चुकी थी, बहुत खून बह रहा था, किंतु भय मोर्चे से हटने को तैयार ना थे। उनके साथियों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें अस्पताल भेज दें, लेकिन भय अडिग रहे। उन्होंने शत्रु से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। मेजर शैतान सिंह ने से प्रेरणा पाकर उनकी कंपनी का एक एक जवान अंतिम सांस तक लड़ता रहा। कुमायूं रेजिमेंट के वीर मेजर शैतान सिंह को इस अटूट साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। इनकी बहादुरी के लिए दोस्त बच्चों, इनके लिए मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र प्रदान किया गया था।